मुंबई से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। यहां मुंबई पुलिस ने एक 16 साल की नाबालिग लड़की को उसके परिवार से 9 साल बाद मिलवाया। दरअसल पूजा गौर नाम की एक नाबालिग लड़की को उसके घर के पास से 2013 में अपहरण कर लिया गया था। तब से मुंबई पुलिस इस लड़की की तलाश कर रही थी। हालांकि पुलिस को कामयाबी 9 साल बाद मिली। पुलिस ने बताया कि इस मामले में अपहरणकर्ता 50 साल का हैरी डिसूजा नाम का एक शख्स है, जिसे अब गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी को कोर्ट में पेश करने के बाद 10 अगस्त तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। मुंबई पुलिस के मुताबिक 22 जनवरी 2013 को छात्रा स्कूल से अंधेरी के गिल्बर्ट हिल्स स्थित अपने घर के लिए निकली थी, लेकिन नहीं पहुंची। घर वालों ने हर तरफ पूजा की तलाश की और फिर बाद में पुलिस को जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा। डीएन नगर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मिलिंद कुर्डे ने बताया कि हमें जानकारी मिली है कि एक नाबालिग लड़की अंधेरी के नेहरू नगर स्लम में रहती है। शक होने पर पुलिस वहां गई और पूछताछ शुरू की। इस दौरान लड़की और परिवार के बाकी सदस्यों को अलग अलग कमरों में बैठाया गया और उन सब से भी पूछताछ की गई, जिसके बाद सच धीरे धीरे सामने आने लगा और फिर 16 साल की लड़की ने बताया कि वह ही पूजा है।